इस वीडियो में आज बात कर लेते हैं हम लोग फिर से एचएल के बारे में। जैसे कि आप देख सकते हैं एचएल में 2.44% की तेज़ी के साथ क्लोजिंग दिया है, बहुत ही शानदार, मतलब बहुत अच्छा है 2.44। कल भी 2-4% का तेज़ी दिया हुआ था। देखिए स्टॉक के पीछे तेज़ी बनने के पीछे रीजन तो बहुत सारा है, जैसे अभी स्टॉक का नाम चल रहा है, अभी थोड़ा सा न्यूज़ देख लेते हैं उसके बाद टेक्निकल भी बात कर लेते हैं। देखिए पहला तो एक न्यूज़ आया था कि स्टॉक का क्या है, महारत्न अपग्रेडर्स होने के लिए, महारत्न में अपग्रेड होने के लिए एक न्यूज़ आया हुआ था, तो वो न्यूज़ के ऊपर भी थोड़ा सा स्टॉक रिएक्ट कर रहा है आपका। अभी आज का डेट में देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे स्टॉक में आपका दिखा हुआ है, ये देखिए ये जैसे न्यूज़ आया हुआ था। देखिए कंपनी जो है एचएल को मतलब आपका महारत्न कंपनी बनने के लिए अप्रोच किया गया हुआ है। जैसे अभी फिलहाल तो देख सकते हैं 13 महारत्न कंपनी है, जिसमें से बी कॉल इंडिया वगैरह है, ये सब लिस्ट है, पूरा देख सकते हैं आप यहाँ पे टोटल लिस्ट, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे नीचे देखिए द क्वालिटी ऑफ फॉर द महारत्न स्टेटस, क्वालिटी चाहिए क्या महारत्न के लिए। देखिए उसमें तो दिया हुआ जैसे कि मस्ट हैव एन एवरेज टर्नओवर जो है 25,000 करोड़ का, कम से कम मतलब एवरेज टर्नओवर होना चाहिए था। उसके बाद क्या है आपका एनुअली नेट प्रॉफिट जो है वो 5,000 करोड़ का होना चाहिए, और आपका नेट वर्थ जो है वो है आपका 15,000 करोड़ फॉर ओवर द मतलब ओवर द लास्ट 3 ईयर्स, ये तीन साल के अंदर ये सब क्वालिफाई आपका बहुत ज़रूरी होता है नवरत्न स्टेटस पाने के लिए, नहीं सॉरी महारत्न स्टेटस पाने के लिए, नवरत्न नहीं ये महारत्न होता है, ये गवर्नमेंट का एक स्टेटस होता है जो कि बहुत बड़ा होता है, नवरत्न इससे छोटा होता है। महारत्न स्टेटस पाने के लिए ये टोटल आपको सब चीज़ का फुलफिल करना पड़ता है। अब देखिए स्टॉक में तेज़ी तो बना हुआ है, आज भी तेज़ी बना हुआ है, कल भी स्टॉक में तेज़ी बना हुआ था, और यार अच्छा खासा क्लोज ऐसा नहीं है। देखिए स्टॉक में क्या होता है कि शुरू में मॉर्निंग में थोड़ा सा तेज़ी जाता है, फिर उसके बाद स्टॉक मतलब क्लोजिंग के टाइम फिर मतलब CTC पे पहुंच जाता है, या तो फिर आपका मतलब जो क्लोजिंग था उसी एरिया में पहुंच जाता है, उतना में क्लोजिंग देता है। लेकिन आज का डेट में जैसे कि आप देख सकते हैं कि नहीं, अगर सुबह से मॉर्निंग से थोड़ा सा ऊपर गया और क्लोजिंग भी दिया है करीब करीब 2.5% के मतलब तेज़ी के साथ क्लोजिंग भी दिया हुआ है। अब थोड़ा सा जान लेते हैं स्टॉक में कि टेक्निकली भी करना क्या है, क्योंकि देखिए टेक्निकली जानना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है स्टॉक में। फंडामेंटल तो ठीक है, चले फंडामेंटल इसमें कुछ देखना नहीं है, मोनोपोली स्टॉक है, बहुत बढ़िया स्टॉक है, फंडामेंटल तो बढ़िया इसका रहेगा ही। देखिए टेक्निकली में जैसे कि हम लोग पहले भी बात किए हुए थे 4500 का सपोर्ट टूटा था, फिर नीचे 4100 कुछ रुपया तक स्टॉक आया हुआ था, वहाँ पे फिर स्टॉक ने अपना अच्छा खासा एक सपोर्ट लिया और बेस बना के देखिए ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। अब इस पर देखिए अभी Q1 का रिजल्ट भी आना बाकी है, अभी हो गया Q1 का रिजल्ट आने का टाइम, अगर रिजल्ट अच्छा होता है तो स्टॉक यहाँ से अगर ब्रेकआउट देता है तो फिर स्टॉक ऊपर के लिए निकल जाएगा। देखिए स्टॉक जो है बहुत दिन से यहाँ पे एक ही रेंज में जो है आपका ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं मतलब एक बॉक्स के अंदर ही कर रहा है। अब 4500 का यहाँ पे सपोर्ट टूटा तो स्टॉक नीचे गया, नीचे में फिर सपोर्ट लिया, 4100 में सपोर्ट था, जैसे कि वीडियो में मैंने पहले भी बता दिया था 4100 में सपोर्ट लेके स्टॉक वहाँ से फिर ऊपर आने का कोशिश कर रहा है। तो फिलहाल के लिए तो स्टॉक के लिए सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है 4500, जब तक स्टॉक 4500 क्रॉस नहीं करता उसके ऊपर अभी जाना थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि देखिए अभी उसी बॉक्स के अंदर ही काम कर रहा था स्टॉक। जैसे 4500 उसका सपोर्ट था उस टाइम, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था आपका 4500, वो तोड़ा स्टॉक नीचे आया 4100 कुछ रुपया में। अब देखिए अभी वही जो सपोर्ट था आपका वो हो जाएगा अभी आपका उसका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं अब स्टॉक जो है आपका रेजिस्टेंस के पास जा रहा है। अब हो सकता है 4500 में यहाँ पे मतलब 4500 के पास स्टॉक आपका रेजिस्टेंस लेके फिर नीचे से थोड़ा सा यहाँ पे डिप मारे, और अगर यहाँ से ब्रेकआउट देता है तो फिर थोड़ा अच्छा खासा मतलब उसी बॉक्स का हाई तक जा सकता है, 4700 तक स्टॉक जा सकता है यहाँ से। तो एक बॉक्स के अंदर ही काम कर रहा था, ब्रेकडाउन दिया, और अभी देखिए स्टॉक के ऊपर न्यूज़ भी आ रहा है, अगर महारत्न स्टेटस स्टॉक को मिल जाता है तो वो एक अच्छा बहुत बड़ा न्यूज़ माना जाएगा, क्योंकि महारत्न सब कंपनी को नहीं मिलता है स्टॉक में, बहुत बड़ा गवर्नमेंट कंपनी को मिलता है, तो उस बेस पे कंपनी का न्यूज़ सुन के हो सकता है स्टॉक यहाँ से ऊपर चल जाए। अभी Q1 का रिजल्ट भी आएगा, उस बेस पे भी अगर बढ़िया हुआ तो भी निकल जाए, लेकिन हाँ फिलहाल के लिए 4500 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, जिसको क्रॉस करने के बाद ही स्टॉक में कुछ नया टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए अभी 4437 रुपये चल रहा है, यहाँ से 4500 जाके फिर रेजिस्टेंस लेके वापस भी आ सकता है, क्योंकि पिछले बार उसका जो सपोर्ट था उसको अभी स्टॉक रेजिस्टेंस फेस करेगा। अगर 4500 का क्रॉस करता है तो फिर नेक्स्ट हम लोग वीडियो में बात करेंगे कि आगे क्या करना है, फिलहाल तो हम यहाँ पे वेट एंड वॉच ही करेंगे अभी भी इस सिचुएशन में, क्योंकि यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस लेके स्टॉक नीचे आता है तो फिर हम नीचे से बाई करेंगे, यहाँ पे क्यों हम बाई करने जाएंगे, क्यों फंसेंगे 4400 में लेके। फिर मान लीजिए स्टॉक मेरे को अगर 4100-4200 में मिल जाएगा तो हम 4400 में क्यों स्टॉक को ऐड करेंगे। तो यहाँ पे पहले देख लेते हैं हम लोग कि अगर सपोर्ट लेके मतलब रेजिस्टेंस लेके नीचे आता है कि रेजिस्टेंस तोड़ के ऊपर जाता है, अगर रेजिस्टेंस तोड़ देता है तो उस केस में भी हम लोग बाद मतलब हम बाद में एंट्री ले लेंगे, 4500 में एंट्री लेंगे तो उस टाइम फिर स्टॉक का टारगेट अच्छा खासा रखेंगे, क्योंकि स्टॉक इतना दिन से यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है, अब जिस दिन स्टॉक यहाँ से ब्रेकआउट करेगा तो सीधा बहुत बड़ा लंबा चौड़ा आपको टारगेट स्टॉक दिखा देगा। और स्टॉक के ऊपर देखिए अभी
न्यूज में आ रहा है अच्छा खासा स्टॉक के पास ऑर्डर बुक है, वो तो ऑर्डर कंप्लीट करके टाइम पे नहीं दे रहा है, ऑर्डर टाइम पे कंप्लीट हो जाएगा वो इंजन का प्रॉब्लम हो रहा है, जब वो शॉर्टेज प्रॉब्लम हो जाएगा खत्म उसके बाद स्टॉक फिर रॉकेट बनेगा फिर से। स्टॉक को करीब करीब आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए 2-3 महीना से एक ही रेंज में काम कर रहा है, 3 महीना करीब हो जाएगा स्टॉक, उससे पहले ही आपका 5600 का हाई मार के आया था। तो देखिए इतना बड़ा रेंज में स्टॉक काम कर रहा था, अब इतना दिन कंसोलिडेट किया इतना बड़ा लंबा चौड़ा टारगेट देने के बाद, तो यहाँ से अब स्टॉक जैसे ही ब्रेकआउट करेगा तो एक बहुत बड़ा रैली स्टॉक दिखाएगा। तो अभी के लिए फिलहाल तो वेट एंड वॉच करेंगे, जिस टाइम ब्रेकआउट देंगे उस टाइम वीडियो बना के हम अपडेट कर देंगे, तो जिस टाइम ब्रेकआउट देगा उस टाइम हम लोग स्टॉक को कैच करेंगे और अच्छा खासा यहाँ से एक लंबा टारगेट के लिए हम लोग निकलेंगे। थैंक यू।